हेलो स्टूडेंट्स, हमारे डीवीएमएस में यूनिट फर्स्ट के कल के वीडियो में हमने देखा था कि डेटा मॉडल जो होता है उसमें कौन कौन से टाइप के मॉडल्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में चार प्रकार के मॉडल है। फर्स्ट हमने देखा हायरार्किकल मॉडल, दूसरा देखा हमने नेटवर्क मॉडल, तीसरा है रिलेशनल मॉडल और चौथा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो हमने हायरार्किकल मॉडल में देखा कि हमारा जो डेटा हो उसको हायरार्की फॉर्म में हम ट्री के फॉर्म में डिजाइन करते हैं। तो उसके बाद वो हमने देखा कि उसके जो डिसएडवांटेज थे कि एक जो चाइल्ड नोड है उसके दो पेरेंट्स नहीं हो सकते, तो उसको हमने डिसएडवांटेज को हमने नेटवर्क मॉडल में इम्प्रूव किया। नेटवर्क मॉडल में देखा कि हाँ, एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स हो सकते हैं, तो ग्राफ के फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते थे। और अब हम देखते हैं कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है। इन दिस मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए टू डायमेंशनल टेबल। इसमें क्या होता है, जो हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा होता है टू डायमेंशनल टेबल की फॉर्म में डेटा होता है। द रिलेशनशिप इज मेंटेन बाय स्टोरिंग ए कॉलम फील्ड, और उनमें आपस में रिलेशनशिप कॉलम के फॉर्म में मेंटेन की जाती है। तो हम सीधा से कह सकते हैं कि हमने जो हायरार्की और नेटवर्क मॉडल देखा था उसमें ट्री और ग्राफ के फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करते थे, और रिलेशनल मॉडल में हम टेबल के फॉर्म में, जो टेबल में हमारे रो और कॉलम रहते हैं वो उसकी रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, टेबल के फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रो और कॉलम की में स्टोर होगी। The mostly widely used database model, in fact, we can say the only database model used around the world. सबसे ज़्यादा तो आज के टाइम में जो डेटाबेस मॉडल यूज होता है वो होता है रिलेशनल मॉडल ऑल ओवर वर्ल्ड। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन द रिलेशनल मॉडल इज टेबल, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो टेबल की फॉर्म में होगा। ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टाइप इज स्टोर्ड इन रो ऑफ दैट टेबल, उसमें टेबल के रो में स्टोर होती है। हेंस टेबल आर आल्सो नोन एज अ रिलेशन, तो इसलिए हम टेबल को क्या कहते हैं, एक रिलेशन कहते हैं इन रिलेशनल मॉडल में। जब भी रिलेशन की बात होगी तो रिलेशनल मॉडल में वो टेबल की बात होगी। तो हम देखते हैं कि किस टाइप से हम इंफॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे मान लो किसी भी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय का डेटा है, तो उस एम्प्लॉय के डेटा को किस टाइप से हम मैनेज करेंगे। तो ये हो गई जैसे एम्प्लॉय आईडी, ये तो हो गई एम्प्लॉय आईडी, ये हो गई एम्प्लॉय के नेम, फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय आईडी होगी, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय नेम हो गए, ये जॉब नेम हो गए कौन कौन सी जॉब में है, और ये उनकी सैलरी है, जैसे उनके मोबाइल नंबर है, उनकी डिपार्टमेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई इस आईडी पे, ये इस रो में जो उनकी सारी इंफॉर्मेशन हो गई, इस रो में एडम की सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो इस टाइप से हम कहीं भी मतलब रिलेशन मॉडल में टेबल के फॉर्म में डेटा को मेंटेन करते हैं। तो ये है हमारा रिलेशन मॉडल का बेसिक, कि रिलेशनल मॉडल में हम इंफॉर्मेशन को कैसे मेंटेन करते हैं, तो होता है टेबल के फॉर्म में। अब इसके फीचर्स देखते हैं क्या क्या फीचर्स है रिलेशन मॉडल के। तो इसमें होते हैं एक तो टपल्स, टपल्स इच रो इन द टेबल इज कॉल्ड टपल, जो रो होती है तो उसको हम क्या कहते हैं टपल, और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपन रिलेशन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये टपल्स आगे काफ़ी यूज होगा। टपल्स क्या होता है, हमारी टेबल की जो रो होती है उसको हम टपल्स कहते हैं। ए रो कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन टेबल में होती है। इन द अबव एग्जाम्पल, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, इच रो हैज द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, लाइक द फर्स्ट रो हैज इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। जैसे हमने देखा कि अब ये टपल है, ये रो है, इसको अपन क्या कहेंगे टपल, इसमें ये दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये एक पूरा टपल हो गया। सेकेंड होता है एट्रीब्यूट या फील्ड, एट्रीब्यूट या फील्ड जितने भी कॉलम होते हैं तो इसमें जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है तो वो कहलाते हैं हमारे एट्रीब्यूट या फील्ड। एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टी विच डिफाइन द टेबल और रिलेशन, जो हमारे टेबल के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं वो एट्रीब्यूट। द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी फ्रॉम द सेम डोमेन,
In the example, we have different attribute of the employee like salary, mobile number, etc. जो भी ये column number है, जो relation show करता है, ये तो ये क्या कहलाते हैं हमारे attribute या field कहलाते हैं। तो ये था हमारा relation model। अब इसके देखते हैं हम क्या-क्या advantage है। एक तो है first कि ये simple है, बहुत simple है। इस model is more simple as compared to the network and hierarchical model की comparison। वो बहुत ही सिंपल है क्योंकि टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, तो इजीली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लेवल दिस मॉडल कैन बी इजीली स्केल्ड एज वी कैन ऐड एज मेनी रो एंड कॉलम वी वांट। और इसके लेवल है जैसे हम जितना बढ़ाना चाहे रो कॉलम बढ़ा सकते हैं इसमें इजीली, इसलिए ये इसके लेवल भी है। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है, वी कैन मेक चेंज इन डेटाबेस स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द वे टू असेस द डेटा फॉर्म। डेटाबेस में आराम से चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे टेबल रो हम क्रिएट कर सकते हैं, इजीली डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। वेन वी कैन मेक चेंज द डेटाबेस स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग द कैपेबिलिटी ऑफ DBMS टू असेस द डेटा, वी कैन से द स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस हैज बीन अचीव्ड। तो वे कह सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर टेबल की फॉर्म होता है तो उसमें आराम से हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस है। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है। इसके मेनली डिसएडवांटेज दो है। एक तो हार्डवेयर ओवरहेड है। हार्डवेयर ओवरहेड का मतलब है फॉर हाइडिंग द जैसे कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेकिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेकिंग थिंग इजियर फॉर द यूजर, दिस मॉडल रिक्वायर मोर पावरफुल हार्डवेयर कंप्यूटर एंड डेटा स्टोरेज डिवाइस। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे को हार्डवेयर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ओके, क्योंकि हमारे को डेटा स्टोरेज डिवाइस में करना पड़ता है। तो फर्स्ट होता है कि हार्डवेयर ओवरहेड, हार्डवेयर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड है बैड डिजाइन। अब बैड डिजाइन से मतलब है जैसे एज द रिलेशनल मॉडल इज वेरी इजी टू डिजाइन, ठीक है, एंड यूज में काफ़ी इजी है डिजाइन और यूज में। सो द यूजर do not need to know how the data is stored in order to assess it। तो इसमें यूजर को ये पता नहीं होता कि डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, किस ऑर्डर में इसमें एसेस किया। दिस इजी टू डिजाइन कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ए पुअर डेटाबेस विच वुड स्लो डाउन इफ द डेटाबेस ग्रो। अगर डेटाबेस ग्रो ज़्यादा बड़ा है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि डिजाइन टेबल के फॉर्म में होती है, इसलिए। अब ये तो था हमारा अभी तक हमने देखा रिलेशनल मॉडल टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला मॉडल है जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। जैसा कि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट बेस होता है। एन ऑब्जेक्ट डेटाबेस इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन विच इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एज यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जैसा हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देते हैं, उस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आर मोर क्लोजली रिप्रेजेंट थ्रू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है वो किसी सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल से को रिप्रेजेंट करती है। इन दिस मॉडल बोथ द डेटा एंड रिलेशनशिप आर प्रेजेंट इन ए सिंगल स्ट्रक्चर नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो डेटा और जो रिलेशनशिप होती है वो क्या एक सिंगल स्ट्रक्चर में होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में सारी रिलेशनशिप होती है और सारी डेटा होता है। वी अब इसमें एक बेनिफिट ये है, वी कैन स्टोर ऑडियो वीडियो इमेज etc इन द डेटाबेस विच वॉज नॉट पॉसिबल इन रिलेशनल मॉडल में। ये पॉसिबल नहीं था इसमें, हम इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑडियो वीडियो इमेज वगैरह सब डेटाबेस में हम स्टोर कर सकते हैं, जबकि रिलेशनल मॉडल में ऐसा नहीं था। इन दिस मॉडल टू और मोर ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड थ्रू द लिंक। अगर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है वो लिंक के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। वी यूज दिस लिंक टू रिलेट वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। तो उन लिंक का यूज करके हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को हम रिलेट कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डेटाबेस आर डिफरेंट फ्रॉम रिलेशनल मॉडल विच आर टेबल ओरिएंटेड। ओके, ये है ऑब्जेक्ट बेस है, वो रिलेशनल मॉडल डेटाबेस था वो था हमारा टेबल ओरिएंटेड। इन कॉन्ट्रास्ट टू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल, जहां हम टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करते थे विद रो एंड कॉलम, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस स्टोर कॉम्प्लेक्स डेटा एंड रिलेशनशिप बिटवीन डाटा डायरेक्टली विदाउट मैपिंग टू रिलेशनल रो एंड
कॉलम के यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डेटा है वो सारा स्टोर किया जाता है। इससे हम इसका सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे एम्प्लॉय, ओके, ये है एम्प्लॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट हो गया, डिपार्टमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इसकी ये एट्रीब्यूट हो गया, नेम हो गया, जॉब टाइटल हो गया, फोन नंबर हो गया, सैलरी होगी, डिपार्टमेंट आई डी होगी, और ये ऐसे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट की आई डी की डिपार्टमेंट नेम हो गया, और इसका जो मेथड है चेंज डिपार्टमेंट, ये इसका मेथड है गेट हायर या चेंज। तो ये है एट्रीब्यूट, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय के बारे में, ये है डिपार्टमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, और ये दे रखा है एक लिंक जो कॉमन लिंक होता है, जैसे डिपार्टमेंट आई डी, डिपार्टमेंट आई डी कॉमन है तो हम इसको शेयर कर सकते हैं। इन द एबो एग्जाम्पल वी हैव टू ऑब्जेक्ट, हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, ऑल द डेटा रिलेशनशिप ऑफ इस ऑब्जेक्ट आर कंटेन एज ए सिंगल यूनिट में, इनके सारी रिलेशनशिप और डेटा एक सिंगल यूनिट में मैनेज हो रहा है। द एट्रीब्यूट लाइक नेम, जॉब टाइटल ऑफ एम्प्लॉय एंड द मेथड विच विल बी परफॉर्म बाई द ऑब्जेक्ट आर स्टोर एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है। द टू ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड थ्रू ए कॉमन एट्रीब्यूट, हमने देखा कि टू ऑब्जेक्ट अब दोनों एक कॉमन एट्रीब्यूट से कनेक्टेड होते हैं, जो अपने देखा था कि आई डी, द डिपार्टमेंट आई डी, द कम्युनिक, ठीक है, जो डिपार्टमेंट आई डी थी, एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन आई डी के थ्रू, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज के हमारे इस वीडियो में कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस तो हमने देख लिया कि डेटाबेस मॉडल में हमारे चार मॉडल है, चारों मॉडल्स के अलग अलग फीचर्स है। थैंक यू दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए।